हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एलपी ऑब्लिक टेक्नीशियन 2018 के रिजल्ट के बारे में। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का रिजल्ट, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए गए जिसमें झूठे वादे किए गए, झूठा न्यूज दिया गया। अब तक मैं आपको बता दूं कि रेलवे एलपी और टेक्नीशियन 2018 का रिजल्ट का कोई भी डिक्लेरेशन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं किया गया है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है, मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या है, और जो गुप्त सूचना मिली है, जो आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, जो रेलवे मंत्रालय के हवाले से खबर मिली है, जो हमारे कुछ मित्र हैं जो कि अधिकारी हैं, उन्होंने जो खबर दी है, मैं उनके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि रिजल्ट कब तक आएगा। और मेरा क्या अनुमान है, मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी सटीक है, पुख्ता है, और जो मैं डेट बताऊंगा, जो मैं तारीख बताऊंगा, उसके आसपास ही रिजल्ट आएगा। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो CBT1 की परीक्षा हुई थी एलपी और टेक्नीशियन 2018 की, वो उसमें जो सारे फॉर्म करने के बाद कितने लोगों ने अटेंडेंस वहां बना था, उसमें लगभग जो अनुमान लगाया गया कि 36 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं और 64,000 प्लस वैकेंसीज हैं, और उसमें से 15 गुना को लेना है, यानी लगभग 10 लाख बच्चों को, 10 लाख परीक्षार्थी को CBT2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और आपको जैसा कि मालूम है कि रिजल्ट में बहुत सारी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। पहले RRB ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जिसमें सबसे पहले उन्होंने RRB का फॉर्म भरवाया कि जोन सिलेक्शन के लिए, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, जो करेक्ट आंसर्स होते हैं उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और जो स्टेप्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद कि आपके RRB, एक सिंगल RRB में कितने कैंडिडेट्स हैं, और उनके आधार पर 15 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद कट ऑफ मार्क्स जो है वो चुना जाता है, वो कट ऑफ मार्क्स तय किया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक सिंगल RRB में होते हैं, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो 15 टाइम्स छांटे जाएंगे सिंगल RRB में, तो टोटल 21 RRB हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। मतलब जटिल प्रक्रिया कहने का मतलब है एक लंबी प्रक्रिया है, और इसमें लगभग 10 दिनों का समय लगता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 से 15 दिनों का समय लगता है, तो 6 अक्टूबर को, आप जैसा जान रहे हैं कि 6 अक्टूबर को फाइनल फॉर्म भरवाया गया आपको प्रेफरेंस के लिए, कि आप किस पोस्ट के लिए प्रेफर करते हैं, सिंगल पोस्ट के लिए, और आपका जोन चॉइस क्या है। तो मेरे अनुमान से, और जो मुझे आधिकारिक अधिकारियों से जो खबर मिली है उसके अनुमान से, जो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट निश्चित ही आ जाएगा। अगर देर हुई तो नवंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए, इस बार जो एग्जाम हुआ रेलवे LP और टेक्नीशियन का, उसमें जो बच्चों ने भाग लिया उसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग विभाग से थे। कोई ITI वाले थे, कोई BTEC वाले थे, कोई डिप्लोमा वाले थे, और कोई PCM वाले थे। तो जो PCM वाले कैंडिडेट्स थे उनकी कितनी वैकेंसी थी, उनके आधार पे उनका क्या कट ऑफ जाएगा। जो ITI वाले थे, बेशक है कि ITI वालों को ज्यादा फायदा होने वाला है ALP कैटेगरी में, क्योंकि उनको एक ही पोस्ट चुनना है। तो उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रहेगा, अगर मैं शुरुआत करूं पहला, यानी कि ITI और BTEC और डिप्लोमा वाले के लिए एक सर्वे करूं, तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 35 से 40 के बीच में जाने वाली है, और जो OBC SC ST की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 20 से लेके 35 के बीच में रहने वाली है। जबकि PCM वालों के लिए थोड़ा कट ऑफ हाई होगा, लेकिन मैं ये अनुमान के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 40 से 45 के बीच में जनरल कैटेगरी का, या 38 से 45 आप ले सकते हैं, जोन वाइज वेरी करेगा, और OBC का कहीं ना कहीं 30 से 40 के बीच में, OBC SC ST का अगर हम देखें तो 20 से लेकर 40 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। तो आज की वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शक वर्ग का तहे दिल से धन्यवाद। आप जो भी जानकारी लें, पुख्ता जानकारी लें, क्योंकि जितने भी YouTube पे वीडियोस बनाए जाते हैं वो अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। तो आप जो भी है, अभी तक रेलवे का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जब भी आएगा रेलवे कुछ दिन पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको डालेगा। लेकिन मुझे जो अधिकारियों से, जो मेरे मित्र हैं अधिकारीगण रेलवे मंत्रालय में, उनके हिसाब से, और उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट जो है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आ जाना चाहिए, या नवंबर के पहले सप्ताह में आ जाना चाहिए।
मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर फिर मैंने कमबैक किया है, तो आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि मैं अब जो वीडियोस बनाने वाला हूँ मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाला हूँ। अब मेरा मोटिवेशनल वीडियो पार्ट वन कल से शुरू होगा, तो तमाम दर्शक वर्ग जो मुझे सुन रहे थे देख रहे थे आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी जानकारी वीडियो के लिए और एएलपी या टेक्नीशियन गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक खोले पंकज कुमार सिंह द डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर कोचिंग, उसको सब्सक्राइब, लाल बटन का सब्सक्राइब बटन आएगा उसको दबाइए, उसके बाद टैप बेल आएगा उसको दबाइए, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम दर्शक वर्ग का धन्यवाद, और जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है आप निराश ना हो, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। चलिए सब्बा खैर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय।